क्रियाकलाप चार। पहला, लकड़ी की मेज के एक सिरे के पास अपना कान लगाएं। चित्र पांच। चित्र क्रमांक पांच, ठोस माध्यम में ध्वनि का सुनाई देना। दूसरा, अपने मित्र को मेज के दूसरे सिरे पर धीरे से ठोकने या खटखटाने को कहें। क्या आपको ध्वनि सुनाई दी? ध्वनि आप तक किस माध्यम से पहुंची? तीसरा, अब अपना कान मेज से ऊपर उठाइए और मित्र को पुनः मेज को ठोकने को कहें। इस स्थिति में ध्वनि किस माध्यम से आप तक पहुंची? दोनों स्थितियों में सुनाई दी गई ध्वनियों में क्या अंतर था? अपने मित्रों से चर्चा करें। चर्चा करें। पहला, नदी या तालाब में चल रही मोटर नाव की ध्वनि पानी की सतह से ज्यादा पानी के भीतर सुनाई देती है, ऐसा क्यों? ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व जितना अधिक होगा, कंपन के कारण माध्यम में दाब भी उतना अधिक होगा और ध्वनि का संचरण भी तीव्रता से होगा। ठोस तथा द्रव माध्यम के कण गैस की तुलना में पास पास होते हैं, अर्थात इनका घनत्व गैस के कणों से अधिक होता है, जिससे वस्तु के कंपन के कारण कणों में विस्थापन तीव्रता से होता है और ऊर्जा स्थानांतरण के समय ऊर्जा ह्रास भी कम होती है। इसी कारण गैस वायु की अपेक्षा ठोस तथा द्रव में ध्वनि तेजी से गति करती है। इसी तरह द्रव की अपेक्षा ठोस में ध्वनि संचरण तीव्रता से तथा कम ऊर्जा ह्रास से द्रव की तुलना में होता है और हमें ध्वनि साफ सुनाई देती है। प्रत्यास्थता के आधार पर देखने पर ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, वे अधिक प्रत्यास्थ होते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति में परिवर्तन करना ज्यादा कठिन होता है। ऐसे कणों में विक्षोभ उत्पन्न करने पर वह शीघ्रता से अपनी पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करते हैं, तथा वे कण जो शीघ्रता से अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, पुनः गति करने को तैयार होते हैं और इस प्रकार से वे तीव्र गति से कंपन दोलन करते हैं। ऐसे माध्यम जिसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, जैसे स्टील में ध्वनि संचरण कम प्रत्यास्थता वाले माध्यम जैसे रबर की अपेक्षा तेजी से अर्थात शीघ्रता से होती है। यही कारण है कि ठोस, द्रव तथा गैस वायु में ध्वनि संचरण की गति ठोस में सबसे अधिक और गैस वायु में सबसे कम होती है।